मेरी किडनी की प्रॉब्लम थी। जी हाँ जी, यहाँ से काफी फर्क हुआ जी मेरे को, बहुत ज्यादा। डायलिसिस तो नहीं रुका, लेकिन जैसे मेरे हाल थे, मेरे को पीठ में लाते थे, पीठ में ले जाते थे, मतलब बहुत ही मुश्किल थी। मैं हाथ तक नहीं जोड़ पाती थी यहाँ। जी घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब जैसे पहले होता था, कोई सुनता नहीं था। अब पूजा के लिए भी सब लोग आ रहे हैं, मतलब जैसे पूरा परिवार है हमारा, तो सब इकट्ठे होते हैं। ऐसा है जी, मतलब पहले तो ऐसे लगता है जैसे उथल पुथल हो जिंदगी में, अभी ऐसा लग रहा है अभी बहुत ही शांति मिल रही है हमारे को यहाँ मेरे आने से। को एक छोटे सिंदूरी रूप में हुए थे और दूसरे बड़े रूप में भी हुए, और भोले शंकर के भी दर्शन हुए हैं। जिंदगी में तो बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और यहाँ आने से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। जो हमारी दिक्कतें थी, पारिवारिक प्रॉब्लम थी, वो सारी दूर हुई है। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं 11 मुखी हनुमान मंदिर जो तालाब कटनी में मौजूद है, और आज आपको बताते हैं जिस तरह से जेठा मंगलवार है और आज 11 मुखी हनुमान मंदिर में यहाँ पे जो लोग दर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह से बता दें कि संत रघुवंशी जी जो है यहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं, और जिस तरह से अगर आप बात करें हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरह से जानेंगे इनसे कि किस तरह का परिवर्तन इनकी जिंदगी में आया, क्या कुछ फायदा इस मंदिर में या हनुमान जी के दर्शन या रघुवंशी जी के संपर्क में आने से इनके हुए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएंगे, रीता है जी मेरा नाम। आप कहाँ से हैं, हम शिमला से हैं। क्या समस्या थी आपकी, जिस समस्या को लेकर आप आए थे? जी मेरी किडनी की प्रॉब्लम थी। हाँ जी, यहाँ से काफी फर्क हुआ जी मेरे को, बहुत ज्यादा। डायलिसिस तो नहीं रुका, लेकिन जैसे मेरे हाल थे, मेरे को पीठ में लाते थे, पीठ में ले जाते थे, मतलब बहुत ही मुश्किल थी। मैं हाथ तक नहीं जोड़ पाती थी यहाँ आके। यहाँ भी मेरे को लेटा के ले जाते थे मंदिर के लिए। ये कितने दिन पहले की बात ये 6 महीने पहले की है जी, है? और छह आज मैं अपने आप को स्वस्थ मानती हूँ। डायलिसिस तो मेरा चल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ समझती हूँ। क्या कुछ मानते हैं, किस तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि डायलिसिस आपकी पहले चलती थी, आपको उठाकर आदमी लाते थे, अब आप अपने पैरों पे चल रहे हैं, आप नमस्कार भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की कृपा यहाँ पे बरसती है इस मंदिर से? बहुत अच्छी कृपा हुई जी हमारे ऊपर, तो रास्ता मिल गया यहाँ से। नहीं तो हम तो भटकते ही रह गए थे कि क्या करें, कहाँ जाए। कभी कहीं दुख की दवाई खा रहे थे, कभी कहीं की दवाई खा रहे थे, हमारे को कोई फर्क नहीं। हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन यहाँ आके ऐसे है कि अब डायलिसिस से भी मैं ठीक हूँ। ठीक हो गया। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से संत रघुवंशी जी जो है यहाँ पे दर्शन भी करवाते हैं, क्या आपने कभी दर्शन किए हैं यहाँ पे हनुमान जी हाँ जी, किए मैंने एक बार किए। हाँ जी, के? जिस तरह से अगर जाने दर्शन करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुए हैं? बस जी घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब जैसे पहले होता था, कोई सुनता नहीं था। अब पूजा के लिए भी सब लोग आ रहे हैं, मतलब जैसे पूरा परिवार है हमारा, तो सब इकट्ठे होते हैं। कहीं ना कहीं अब हमारा आपका जो परिवार है उसमें धर्म के प्रति जो है लोग प्रेरित भी हाँ हुए जी, हाँ हैं। जी, हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा हो गया घर में। बच्चे भी, ये वाला बेटा तो मेरा 101 बार जाप करता है कई बार ना, तो बहुत अच्छा हो गया है जी, बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जिस तरह से बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से ये दो आदमी इनको उठाकर जो थे मंदिर में लेके आए थे, लेकिन आज ये अपने पैरों पर स्टैंड है और खुद यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से डॉक्टर कहीं ना कहीं अब इलाज करने में असमर्थ थे, तो यहाँ से जो है इनका अच्छा खासा जो है प्रभाव पड़ा है। अपना नाम बताएं। अब मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं शिमला से हूँ। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आपने मंदिर के बारे में कब सुना और कब पता चला आपको? मेरे को मंदिर के बारे में 18 जून 2022 से पता लगा, तो उसी दिन से हम इधर आए थे, तो तब से लेकर हम इधर आ रहे थे, तब से लेकर हमारे को घर में शांति है जी। हाँ जी, इसके शांति के अलावा क्या आपकी जिंदगी में लगा हो आपको कि अब वो हमें एक कहते हैं ना धर्म धर्म का रास्ता मिल गया जहाँ से हमारा जिंदगी जो है बदल गई, कुछ ऐसा लगा हो? ऐसा है जी, मतलब पहले तो ऐसे लगता है जैसे उथल पुथल हो जिंदगी में, अभी ऐसा लग रहा है अभी बहुत ही शांति मिल रही है हमारे को यहाँ आने से। तो हम तो ये कहते हैं भी ज्यादा से ज्यादा लोग इधर आए और अपन इधर का फायदा उठाए। अपना नाम बताएं जी। जय श्री राम, मेरा नाम धर्मपाल है। आपने कभी दर्शन किए हो यहाँ से? बिल्कुल किए जी, कई बार किए। गुरु जी ने जिस तरह से किस रूप में आपको दर्शन करवाए? मेरे को एक छोटे सिंदूरी रूप में हुए थे और दूसरे बड़े रूप में भी हुए, और भोले शंकर के भी दर्शन हुए हैं। अब 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई,
तो उस दौरान गुरुजी ने यहाँ सभी लोगों को दर्शन करवाए, तो उस वक्त हमें भगवान राम के भी दर्शन हुए और अयोध्या नगरी के भी दर्शन कराए थे, तो वो भी दर्शन हुए थे। दर्शन होने के बाद आपको क्या लगा कि आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आए? जिंदगी में तो बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और यहाँ आने से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। जो हमारी दिक्कतें थी, पारिवारिक प्रॉब्लम थी, वो सारी दूर हुई है और एक भगवान के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य यहाँ गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हम लोग यहाँ मंदिर में आते जाते रहते हैं और जो भी हमारे से सेवा होती है वो भी करते रहते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अगर आप बात करें संत रघुवंशी जी, आपने कहा कि दर्शन उन्होंने करवाए और आपकी जिंदगी में परिवर्तन का हुए हैं, किस तरह का अनुभव आपका लगा? 3 साल का आपने जिस तरह से बताया कि आपको दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद जिंदगी में भी आपके परिवर्तन आए, लेकिन संत रघुवंशी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का दरबार आपने कभी पूरे भारत में देखा हो या हिमाचल में कहीं दूसरा दरबार देखा हो? जी नहीं, इस प्रकार का दरबार मैंने कहीं भी देखा नहीं। संत रघुवंशी जी जो हमारे पूज्य गुरु जी है, वो लोगों को दर्शन के साथ साथ लोगों की जितनी भी कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई बीमारी है, कैंसर तक की दवाइयाँ ये देते हैं और इनके माध्यम से बहुत सारे लोगों का जो उद्धार हो रहा है। और मैं तो यही सभी लोगों से मतलब विनम्र प्रार्थना करूँगा कि वो यहाँ 11 मुख हनुमान जी मंदिर तालाब कठनी में आए और भगवान के दर्शन भी करें और अपनी जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनको भी उनका भी निवारण कराएं। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि इस तरह के दर्शन जो हैं आपको इसी जन्म में जो है हो जाएंगे कभी? क्योंकि इंसानी रूप में तो ये संभव नहीं लगता कहीं ना कहीं दर्शन हो जाए। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मैंने तो अभी गुरु जी के साथ में बालाजी महाराज के दर्शन करने वहाँ भी गया था अपना जयपुर के पास, तो कभी सोचा नहीं था जिंदगी की वहाँ जा पाऊँगा, लेकिन गुरु जी के माध्यम से वहाँ भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।